और आप मेरा यूट्यूब चैनल शायरी मिनी शो। गाइस इतने दिनों के बाद मैं दोबारा हाजिर हो चुका हूँ। आप भी देखते होंगे आता चला जाता। गाइस थोड़ा थोड़ी सी मसरूफियात वगैरह भी होती है हमारी, उसमें थोड़ा बिजी वगैरह हो जाते हैं, इसलिए थोड़ा वीडियो का टाइम वगैरह नहीं दे पाते। इंशाल्लाह आप थोड़ी रेगुलर वीडियो आने लग जाएंगी। आज हम जा रहे हैं जी, आप भी देख रहे हैं सुबह सुबह उठ के क्यों आ गया। आज हम जा रहे हैं जी माशाल्लाह से बकरा एक साथ आ रही है, आज लेने जा रहे हैं मंडी से बकरा अपना। इंशाल्लाह कोई अच्छे से जाके मंडी का बकरा देख के आएंगे और उसकी इस जगह पे ना आगे जगह वगैरह बनाएंगे, कूलर शूलर भी लगाएंगे। वैसे तो आज हवा से चल रही है, लेकिन उसको कूलर शूलर लगाएंगे ताकि गर्मी वगैरह सोना लगे। इंशाल्लाह मंडी चलते हैं, अभी कुछ अच्छा सा बकरा लेके आता है, उसके लिए पेमेंट ज़रूरत होगी। कुछ पेमेंट आया पड़ी, कुछ ATM से जाकर हमें निकलवानी पड़ेगी। ATM चलते हैं, पेमेंट निकलवाते हैं और हमने फिर मंडी चलना है। अब चलते हैं मंडी। मंडी जाने से पहले आप कर लें मेरे चैनल को सब्सक्राइब और साथ में खड़े बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आप चलते हैं मंडी जाने से पहले आप माशाल्लाह से देख लें कितने क्यूट बेबीज निकले हुए हैं। देखें इंक्यूबेटर के अंदर भी एक बच्चा निकला हुआ है और इधर माशाल्लाह से देखें हमारा जो टर्की बार से ये बार खुले। फिर माशाल्लाह से हम बैंक पहुँच गए और यहाँ अपना AC चला हुआ, वो भी 17 रुपये फुल कर दिया हुआ हमारा। फटाफट ATM से अपने पैसे निकलवाते हैं और चलते हैं यहाँ से। आज पैसे आ गए हमारे हाथ में और अब ATM से चलते हैं। इंशाल्लाह कुछ घंटों के अंदर अंदर हमारे घर नया मेहमान आ चुकेगा। गाइस माशाल्लाह से मैं फुल रेडी हो चुका हूँ और अब अपनी बाइक भी तैयार है और अभी मैं ATM से आया हूँ, नाश्ता किया और अब फ़ौरन माशाल्लाह से निकलने लगे हैं। मैं और अब्बू जा रहे हैं, गर्मी मंडी में बहुत ज़्यादा होनी है इसलिए हमने मफरल और कैब वगैरह का इंतज़ाम अपना यहीं से कर लिया ताकि वहाँ में कोई मसला ना बने। बाकी आपको जो है मंडी में जाके अपडेट वगैरह देते हैं क्या रेट चल रहे हैं मंडी के ना। गाइस माशाल्लाह से ना जानवर बहुत ज़्यादा है, अभी मंडी के बाहर ही माशाल्लाह से इतना जानवर नज़र आ रहा है और मंडी में पता नहीं कितना जानवर होगा। इंशाल्लाह कोई अच्छा सा अपने लिए ढूंढ के आएंगे और अल्लाह ने भी हमारे लिए चुन के रखा होगा कोई बकरा। गाइस माशाल्लाह से हमने मंडी पहुँच चुके हैं, ये हमारे शहर से ना कोई 4 किलोमीटर बाहर है। माशाल्लाह से मंडी एंटर हो गए हम, यहीं पर अब बाइक वगैरह पार्क लगाते हैं और आप मंडी के अंदर चलते हैं। माशाल्लाह सौदा हो गया और हम जा रहे हैं घर को। माशाल्लाह से ना बकरे को कम से कम 3-4 घंटे हो गए यहाँ पे रेस्ट वगैरह कर रहे हैं। इसकी डिंजन वगैरह भी मैं जाकर शहर से ले देखें बाकी ने इसमें पड़ी हुई है, इसने डिंजन वगैरह भी खा लिया है। अब माशाल्लाह से इसका पेट वगैरह फुल हुआ है, वैसे भी सुबह फुल था। मैं कह रहा हूँ इसको नहा के ना फिर इसको ऊपर जाकर इसकी जो जगह नवी बनाएंगे फिर इसको वहाँ जाकर बांधेंगे। इसका मैं कुछ सामान वगैरह भी लेके आना है, इसके ना अभी जंजीर है ना कोई इसके पट्टे शट्टे हैं ना घुंघरू शुंगरू, सारी चीज़ें लेके आते हैं। इसको नहा के ऊपर फ़ैन ऑन करते जाएंगे, ये सूख जाएगा उतनी देर में, फिर इसको शाम के टाइम इंशाल्लाह से जाकर फिर बाहर लेके जाएंगे फिर ऊपर ही बांधेंगे। अब इसको कोई चैन वगैरह पुरानी बांधते हैं और इसको बाहर जाकर नहाते हैं। माशाल्लाह से मैंने इसको नहा नहो के साफ़ सुथरा करके अंदर ले आया क्योंकि ये ना बाहर शोर वगैरह कर रहा था, ऊपर फ़ैन भी ऑन कर देता कि जल्दी जल्दी सूख जाए। इसके अब जो है ना सामान वगैरह लेने चलते हैं जिसको सजाना वगैरह है ना, उसका कुछ घुंघरू शुंगरू तो मैं ले आया था सुबह ही, वो मैंने पहना दिए हैं माशाल्लाह से, 6 ले गया था मैं। और भी ये चीज़ें भी यहाँ पर जो खड़कती है ना जर का, बाकी अब इसका जो मुँह का ताज वगैरह वो लेने चलते हैं। गाइस माशाल्लाह से आज है जी दूसरा दिन, आपने देखा होगा कि हम कल जाके मंडी से बकरा ले आए थे और उसको नीचे लेके आए थे, उसको नहाया था, फिर उसका मैं सामान वगैरह लेने गया था, वहीं से मुझे दुकान का ज़रूरी काम पड़ गया था, फिर मैं वहाँ चला गया था, वो सामान वगैरह आके मैंने पहनाया था इसको, थोड़ी बाहर की सैर वगैरह भी करवाई थी कल मैंने। आज मैं लोग वगैरह बना रहा हूँ और इधर हमारा तोता भी बोलना शुरू हो गया
उसके बाद देखें माशाल्लाह से कितना प्यारा मौसम हुआ है, ऐसे में जैसे बारिश आने वाली हो। और माशाल्लाह से ये है जी हमारा बकरा, इसको मैं जो है मैंने अभी जंतर डाली हुई है, उसके बाद इसका पानी फ्रेश वहाँ पे भर रहा है, वो पानी भर दिया, उसके बाद इसको जंतर खा रही है, इसके बाद इसको पानी भी पिलाते हैं, फिर इसको बाहर लेके चलते हैं, इसको सजाते भी हैं, फिर आपको मैं सजा हुआ भी दिखाता हूँ ना। उसके बाद ना मैं कल इसका खुराक खाल वगैरह भी ले आया था थोड़ी सी, मैंने चेक करें खाता भी है नहीं, क्योंकि पिछले साल भी मेरे से ऐसे होता मैं आधी बोरी खाल के लाया था लेकिन उसने खाई नहीं थी। और ये बकरा फिर भी हमने कुछ दिनों के बाद पहले ले लिया ना, वो पहले वाला बकरा महीना खंड पहले लिया था। आप तो इसलिए अभी थोड़ी सी लेके आए, ये चेक करते हैं अगर खाता है फिर इंशाल्लाह कल से इसके ले आएंगे जो भी डाइट वगैरह होगी ना। अब इसको ये भी डालते हैं, उसके बाद ये चोकर भी हमारे पास है अपना, ये भी इसको डालते हैं, उसके बाद ये जो पाइप है ये भी इसको ऊपर का आपको मैं दिखाता हूँ ये भी कहाँ का। अब ये भिगो देते हैं इसमें उतने देर, ये घास खा ले फिर इसको ये डालते हैं। गाइस माशाल्लाह से बकरे ने जंतर वगैरह खा लिया, अब इसके जो खाल वगैरह छोले वगैरह का चोकर वगैरह था ना वो मैंने अब इसको डाल दिया, वो भी बिल्कुल गीला शीला हो गया। अब वो ये माशाल्लाह से खा रहा हो, जैसे थोड़ी शाम भी डाल गया, इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए बाहर लेके चलेंगे अगर अंधेरा ना हुआ इसे ख़त्म होने तक, इसको फिर बाहर का चक्कर भी लगवाते हैंगे। माशाल्लाह बकरे को मैं दोबारा से घर ले आया हूँ, इसको यहीं पर बांध दिया और उसने थोड़ा सा उसको खाना भी बचा हुआ है, उसके बाद जंदर भी थोड़ी सी बची है, ये भी खुद ही खा लेगा सुबह, अब क्योंकि रात हो रही है। बाकी यहीं पे करते हैं इस व्लॉग को एंड, उम्मीद है कि आपको ये बकरा अच्छा लगा होगा। बकरा अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ नए व्लॉग के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज़, कल इंशाल्लाह हम इसको बाहर लेके जाएंगे, उसको जैसे जाएंगे फुल।